पुलिस लाइन के अपोजिट हमारा ऑफिस है, शाहदरा में हमारा ऑफिस है, भगवानपुरा में हमारा ऑफिस है, तो हमने लाहौर को ज्योग्राफिकली कवर करने की कोशिश की है ताकि लोगों को ट्रैवलिंग ज़्यादा ना करनी पड़े। आप जो गाड़ी चला रहे हैं वो आपकी मलकियत में होनी चाहिए, और अगर आप किसी और गाड़ी बेच चुके हैं और आपकी मलकियत में अभी तक है तो ये भी आपके लिए जो है एक परेशानी का बायस हो सकती है। लिहाजा ये इंश्योर करना कि सेल परचेज एग्रीमेंट के बाद ओनरशिप को फौरी तौर पर तब्दील किया जाए, ये इंतहाई ज़रूरी है। बेसिक पर्टिकुलर जो कि उसका नाम, CNIC, ईमेल वगैरह, एड्रेस, ये फिल करना है, जिसमें हार्डली 2 से 3 मिनट का टाइम उसे रिक्वायर्ड होता है। जिन चीज़ों को हम आमतौर पर मुश्किल समझते हैं वो मुश्किल नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें रिफॉर्म हुई हैं, IT इनिशिएटिव्स की वजह से चीज़ें डिजिटाइज हो गई हैं, अब यहाँ पे हमारा फुली कंप्यूटराइज सिस्टम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर बख्त और आप देख रहे हैं पुलिस लॉक। नाज़रीन, आप एक पुरानी गाड़ी ख़रीदते हैं, आप बड़े खुश होते हैं कि अच्छे दामों मिल गई है गाड़ी, लेकिन आप एक चीज़ चेक नहीं करते, आप ये तो चेक करते हैं गाड़ी के कागज़ कैसे हैं, गाड़ी की इंजन चेसी जेन्युइन है कि नहीं है, लेकिन आप एक चीज़ ये चेक नहीं करते उसके ई चलान कितने हैं, और आप एक चीज़ ये भी नहीं चेक करते कि आपने उसका ऑनरशिप अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवाया कि नहीं करवाया, और अगर खुदा ना खास्ता आपने उस गाड़ी को अपने नाम ट्रांसफ़र नहीं करवाया और उसके ई चलान भी चेक नहीं किए, तो आप तैयार हो जाए, आपको कहीं भी रोका जाएगा, आपकी गाड़ी को इम्पाउंड किया जाएगा, फिर आपको दोबारा एक्साइज में आना पड़ेगा और अपनी गाड़ी को ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा अपने नाम पर। ये सारा प्रोसीजर कैसे होता है? कमरुल हसन साहब हमारे साथ डायरेक्टर एक्साइज मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं। वेलकम टू द शो। कमरुल हसन साहब से भी बात करेंगे जो डायरेक्टर एक्साइज हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं इशू कहां पे आ रहा है। लोग गाड़ी परचेज करते हैं सेकंड हैंड, लोगों को ई चलान मिल जाते हैं, लोग भागते आते हैं सेफ सिटी के ऑफिस 15 पे कॉल करते हैं, etclhr@psca.gov.pk पे भी ईमेल करते हैं कि ये ई चलान मुझे क्यों आ रहे हैं, मैंने तो गाड़ी परसों खरीदी है, इसके 100 ई चलान है, ये इशू क्या है? ये सारे का सारा जो मैटर है ये डायरेक्टर एक्साइज कमरुल हसन साहब से पूछते हैं, आइए मेरे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, बिल्कुल ठीक ठाक आपने टाइम दिया। सर ई चलान होता है, लोग परेशानी में कभी सेफ सिटी आ जाते हैं, कभी एक्साइज में आ जाते हैं, सर एक्चुअली में ई चलान का ऑनरशिप के साथ लिंक क्या है, इशू क्या है? एक्चुअली हमारा एक सोशल सिंड्रोम बन गया है कि ओपन ट्रांसफर लेटर पे गाड़ियां बहुत ज़्यादा चल रही हैं। अच्छा, पूरे पंजाब में, लाहौर में भी ज़ाहिर है कि उसी रेशो से गाड़ियां ओपन ट्रांसफर लेटर पे चल रही हैं, लोग गाड़ी फरोख्त कर देते हैं, और जब तक कि सेफ सिटी का ई चलान नहीं जाता या FBR का नोटिस नहीं जाता या खुदा ना खास्ता वो गाड़ी किसी इलीगल एक्टिविटी में इस्तेमाल नहीं होती, उस वक्त तक रिकॉर्डेड ओनर जो हमारे पास ओनर आ रहे होते हैं उन्हें ये पता नहीं होता कि वो गाड़ी अगले मालिक ने अपने नाम पे नहीं करवाई हुई। तो ये इश्यूज़ आ रहे हैं जो ज़ाहरा के सेफ सिटी की वर्किंग में भी हर्डल क्रिएट करते हैं, हमारे लिए उसमें रिकॉर्ड अपडेशन है, बेनामी ट्रांजेक्शन्स हैं, हमारी टैक्स कलेक्शन के हवाले से है, हमें भी उसमें इश्यूज़ आते हैं कि जब तक व्हीकल का रिकॉर्ड अपडेट नहीं होगा ओनरशिप का तो हम भी एक्चुअल मालिक तक पहुंचने के लिए मुश्किलात का शिकार होते हैं। सर होता यूँ, एक गाड़ी है वो मैंने ख़रीदी, मेरे बाद किसी और बंदे ने ख़रीदी, वो ख़रीदते ख़रीदते 10 लोग उसके ऑनर होते हैं, अब क्या प्रोसीजर होगा उसका कि मैं किस तरह देखूंगा मुझे जब गाड़ी बिकी उसके 20 चलान है, 30 ई चलान है, अब मैंने तो नहीं किए ई चलान, मैं तो भागा भागा आऊँगा एक साइज़ में, आप आगे क्या करेंगे, क्या रिकमेंड करेंगे, क्या प्रोसीजर है यहाँ पर? देखिए इसके लिए हमने SOPs डिवाइस किए हुए हैं कि जो चूँकि ये एप्लीकेशंस की तादाद जो है वो बड़ी हुई है मौजूदा सूरत हाल में और लोग सेंसिटाइज हैं, जो कि एक अच्छी बात है, माशरे में एक बेहतरी की सूरत हाल ये पैदा हो रही है, उसके लिए आपको एक पुलिस रिपोर्ट करवानी है कि जी आप गाड़ी फरोख्त कर चुके हैं और जो आपके पास ट्रांसफ़री का ख़रीदार की मालूमात है वो हमारे साथ शेयर करनी है और एक एप्लीकेशन सादा कागज़ पर आपने एक साइज़ में देनी है, हम गाड़ी का स्टेटस जो है वो उसको ब्लॉक कर देते हैं, ऑनलाइन वो डाटा जो है रिफ्लेक्ट नहीं होता, तो फिर जो भी साहब ओपन लेटर पे चला रहे होते हैं उन्हें मुश्किलात का सामना होता है रोड पे, कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जब व्हीकल का रिकॉर्ड हमारी ऑनलाइन डेटाबेस से चेक करेगी तो वो रिकॉर्ड रिफ्लेक्ट नहीं होता। इसमें मैं एक इजाफा करना चाहूँगा कि हम ये ओपन ट्रांसफ़र लेटर है इसके खात्मे के लिए हमने एक अच्छा स्टेप ये डिपार्टमेंट ने लिया है कि हम बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पर जा रहे हैं। अच्छा, हम प्रोक्योरमेंट के जो वो हतमी मरहल में है, जैसे ही बायोमेट्रिक ट्रांसफ़र जो है वो इन्फोर्स हो जाएंगी तो फिर यकीनी तौर पे परचेज़र जो है वो भी सेंसिटाइज होगा, जैसे ही सेल परचेज़ का एग्रीमेंट हो तो गाड़ी जो है वो अपने नाम पे करवा ली जाए, और इस सूरत में ओपन ट्रांसफ़र लेटर जो है वो उसको काफ़ी डिस्करेज लोग करेंगे, जिन लोग जैसे गाड़ी ख़रीदेंगे तो श्योर होगा कि गाड़ी ट्रांसफ़र हो सके, इसमें हमें भी फ़ायदा है, हमारी रिकॉर्ड अपडेशन जो है वो हो सकेगी और इसमें टैक्स भी इन्वॉल्व है। कमर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये काउंटर्स बने हुए हैं, ये तो आपने पेनल्टी बताई उस बंदे के लिए जिसने ओपन लेटर पे चलाई जा रहा है,
नॉर्मल प्रोसीजर क्या है, हाउ टू आप उसको ट्रांसफर किस तरह करवा सकते हैं, इनकाउंटर्स का थोड़ा गाइड कीजिएगा। जी ऐसा ही है, ये हमारे जो है इस वक्त वन विंडो ऑपरेशन है फॉर ऑल ट्रांजैक्शंस। अच्छा, आपको दफ्तर में आने के लिए किसी हैसल की जरूरत नहीं है। मजीद अजा, हमने ओपन ट्रांसफर लेटर और बाकी ट्रांजैक्शंस के लिए एक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का लॉन्च किया था ड्यूरिंग कोविड। अच्छा, जो कि अभी तक हमारा चल रहा है। आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट हमारी एप्लीकेशन के जरिए ले सकते हैं और हमारी वेबसाइट पे भी उसका लिंक मौजूद है और हमारी हेल्पलाइन पे भी फैसिलिटी मौजूद है कि आप कॉल करके अपना जो डिज़ायर्ड टाइम है, डिज़ायर्ड ऑफिस है वो सिलेक्ट करके तो डिज़ायर्ड टाइम पे आ सकते हैं। हमारे पास एक फैसिलिटेशन काउंटर है, वहाँ पे अगर आपको कोई मालूमात चाहिए हो, कोई फॉर्म चाहिए हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जो ट्रांसफ़र की ट्रांजेक्शन है उसके लिए एक टी ओ फॉर्म जो है वो अवेलेबल होता है एक्साइज ऑफिस में। उसकी क्या प्राइस है? 300 रुपया उसकी कीमत है ट्रांसफर का, जो नॉर्मल ट्रांसफर का कोई भी ट्रांसफर 300 रुपये। सबसे पहले कमर साहब बता रहे हैं कि 300 रुपये एक जो ट्रांसफर का फॉर्म है उसकी फ़ी है सर। तो कोई भी सेल परचेज एग्रीमेंट जो आप कर रहे हैं किसी ड्राइंग रूम में, OLX पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो आप गाड़ी खरीदो फरोख्त करते हैं शोरूम पे, तो उसमें हमारी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप इंश्योर करें कि एक्साइज का जारी करदा जो 300 रुपये का टी ओ फॉर्म है उस पर आपकी जो है सेल परचेज एग्रीमेंट एंडोर्स हो और उस टी ओ फॉर्म की वैलिडिटी 30 डेज है फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस। जैसे ही आप एक्साइज ऑफिस से वो इशू करवाते हैं तो 30 डेज के अंदर आपको वो ट्रांसफ़र एग्जीक्यूट करनी है। और जो इसमें मैं मज़ीद वजाहत ये करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने ट्रांसफ़र फीस जो है वो रेट्स बहुत नॉमिनल रखे हुए हैं। जैसे 1000 cc की गाड़ी है उसकी ट्रांसफ़र फीस 1200 रुपये है, ठीक है, तो कार्ड की प्राइस और ये 300 रुपये की डीड मिला के टोटल आपको 2000 रुपया उसका खर्चा रहा है, ठीक है। जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उनके 2000 रुपया है, जो 2000 cc से ऊपर है उनकी 3000 रुपया फीस है। तो फीस बड़ी नॉमिनल है, फीस रुकावट नहीं होनी चाहिए ट्रांसफ़र को जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए। हम अभी मौजूद हैं यहाँ पे जो ट्रांसफर ऑनरशिप का ट्रांसफर का जो हमारे पास एक मैकेनिज्म है, वन विंडो ऑपरेशन है, उस पर कमर साहब से पूछते हैं ये प्रोसेस कितना आसान है, कौन सा फॉर्म लगता है और उसके कितनी ट्रांसफर फी है, सर बताइएगा इस बारे में। जी जैसा कि आप काउंटर पे देख रहे हैं कि एक एप्लीकेंट मौजूद है, उन्होंने जस्ट जो है हमें एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया है जो कि रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है इस व्हीकल का। अच्छा, इस डॉक्यूमेंट को उन्होंने प्रेजेंट किया है हमारे स्टाफ को और वो इस रजिस्ट्रेशन नंबर के अगेंस्ट जो है वो एक टी ओ फॉर्म इशू करेंगे, ट्रांसफर डीड जिसे कहते हैं, जिसकी बुनियाद पर ये ट्रांसफर एक्चुअली एग्जीक्यूट होनी है, ठीक है। ट्रांसफर डीड की फीस जो है वो 300 रुपये है, ठीक है। इसमें जस्ट आपने सेलर परचेजर के पर्टिकुलर्स फिल करने हैं, सेलर परचेजर ने इसको साइन और अपना थंब इंप्रेशन देना है इस पर और उसके बाद जो है ट्रांसफर के लिए आपने अप्लाई कर देना है। सर मैं आपको कथा कलामी के लिए माफी, ये जो ट्रांसफर का जो फॉर्म है टी ओ फॉर्म, ये मिलेगा किधर से, एक्साइज के अंदर से मिलेगा? जी जी बिल्कुल, जो ट्रांसफर डीड है, टी ओ फॉर्म है, ये एक्साइज ऑफिस से इशू होता है, ठीक है। इसके अलावा जो अगर न्यू रजिस्ट्रेशन की हद तक हमने DVRS लाइसेंसेस दिए हुए हैं तो वो डीलर्स के पास भी अवेलेबल होते हैं। सर कितना टाइम लगेगा ट्रांसफर ये सारे प्रोसीजर में? ये ट्रांसफर डीड इशुएंस जो है ये तो हार्डली जो है 1 से 2 मिनट का प्रोसेस है। यहाँ पे इन्होंने ट्रांसफर डीड जो है इनको इशू कर दी जाएगी, उसके बाद इन्होंने इसको फिलअप करना है, सही है, और उसके बाद विंडो पे प्रेजेंट कर देना है वो ट्रांसफर विद ओरिजिनल फाइल और ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ द व्हीकल। अच्छा, इसमें एक ये चीज़ क्लियर कीजिएगा कि जब हम ट्रांसफर करवाते हैं क्या बेचने वाले का और खरीदने वाले दोनों का होना मौजूद है कि जो नया बायर है सिर्फ वो आके करवा सकता है? नहीं, जो ओनर्स हैं, सेलर परचेजर हैं, उनके अटेंडेंस ऑफिस में जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ओरिजिनल दफ्तर में प्रेजेंट होने हैं, उनके बिहाफ पे कोई साहब भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ट्रांसफर डीड जो है वो ज़ाहरा के सेलर परचेजर ने साइन स्टैम्प करनी है। नाज़रीन, नीचे आपने देखा कि टी ओ फॉर्म ट्रांसफ़र जो किया जो फॉर्म है वो नीचे लोगों को 300 रुपये में मिल रहा था, अब हम ऊपर मौजूद हैं जहाँ पे एक्चुअल में वो जो ट्रांसफ़र का पूरा मैकेनिज्म होता है। हमारे साथ कमरुल हसन साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं इसमें कितना टाइम लगेगा और कितनी देर में जो हमारा साहिल है, जो हमारा एंड यूज़र है, शहरी है, ऑनर है, वो कितनी देर में यहाँ से फ्री होता है? जी जैसा कि मैंने बताया कि आप अपॉइंटमेंट लेकर भी ऑफिस में आ सकते हैं, ट्रांसफ़र डेट जो नीचे आपने 300 रुपये की हासिल की थी वो यहाँ पे लेके आपने इन काउंटर्स पे आना है जिनको हम पोस्ट रजिस्ट्रेशन ट्रांजैक्शंस के काउंटर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कि वो फाइल ओरिजिनल जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ लेके आनी है और ये वो टीओ फॉर्म है जो नीचे से उन्हें मिला था, ये उन्होंने फिल किया है, सेलर परचेजर के पर्टिकुलर्स दिए हैं और ट्रांसफ़र डेट फिल किया है, ये उसका प्रीवियस जो है कार्ड है जो उन्होंने साथ सबमिट किया। अच्छा सर, इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि जब आप ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, अभी हो यूँ रहा है कि हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन की जो बुक है वो एक कार्ड में कन्वर्ट हो गया,
क्या जब हम अपनी गाड़ी को ट्रांसफर करवाते हैं क्या हमारा कार्ड नया बनेगा? जी जी, हर ट्रांजैक्शन पे, हर ट्रांसफर एंट्री पे एक नया कार्ड जारी होता है। जो लास्ट कार्ड होता है, जो उस वक्त एक्टिव होता है, उसको डीफेस कर दिया जाता है और सिस्टम में जो लास्ट इश्यूएंस कार्ड होती है वो एक्टिव आता है। आपने ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन फाइल और ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ टी ओ फॉर्म को मुकम्मल करने के बाद इस विंडो पे जमा करवाना है। यहाँ पे हमारे ऑफिशियल ने सिर्फ जो ट्रांसफरी है, चूँकि उनका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, जो इस वक्त ओनर है, जो व्हीकल है वो पर्टिकुलर्स हमारी डेटाबेस में मौजूद है, उन्होंने सिर्फ उसके बेसिक पर्टिकुलर जो कि उसका नाम, CNIC, ईमेल वगैरह, एड्रेस ये फिल करना है, जिसमें हार्डली 2 से 3 मिनट का टाइम उसे रिक्वायर्ड होता है। और इस पे वो एक असेसमेंट जनरेट करके यहाँ पे वो आपको एक चलान देंगे कि ये आपकी फीस अमाउंट है, आप वो सबमिट करेंगे, ठीक है, और इतना सा काम है आपका ऑफिस में। इसके बाद आप जो है यहाँ से फ्री हैं। वो हमारा उसके बाद इंटरनल प्रोसेस है जिसको फाइनलाइज करने के बाद हम कार्ड इशू करते हैं। मेरे नाज़रीन के लिए बस एक बात बताइएगा कमल हसन साहब, के अंडर 1000 CC जो गाड़ी है या 1000 CC उसकी फीस है 1200 रुपये, और 1000 CC से ऊपर जो 1000 CC से लेकर 2000 CC तक जो व्हीकल्स हैं उसके लिए 2000 रुपये। 1000 CC से 2000 जो गाड़ियाँ हैं उनकी ट्रांसफर फीस 2000, आगे सर और 3000 रुपये है। उसके बाद जितनी ऊपर CC हैं वो 3000 रुपये। चीज़ें बहुत आसान है। इस हेजल से बचने के लिए, इस परेशानी से बचने के लिए 1200 रुपया लगता है ट्रांसफ़र का, एक्चुअल में जो फॉर्म है वो 300 रुपये का है, और आप हमेशा के लिए अपनी गाड़ी को तसल्ली से चला सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, जब कभी पकड़े जाएंगे ना तो आना आपने इधर ही है, फिर परेशानी भी होगी, गाड़ी थाने में बंद होगी, गाड़ी पास नहीं होगी, घर वालों को परेशानी होगी, इन तमाम। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा आपकी कैपेसिटी कितनी है, एक दिन में आप कितने फॉर्म ट्रांसफर्स के फॉर्म को इंटरटेन करते हैं? नहीं, हमारे इस वक्त जो है फरीदकोट हाउस के अलावा 6 ऑफिसेज जो हैं वो इंडिपेंडेंटली अदर साइट्स पे चल रहे हैं, ठीक है। आप अपॉइंटमेंट पे जाते हैं तो आपको ऑफिस अपनी लोकेशन के मुताबिक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। DHA में हमारा ऑफिस है, जोहर टाउन में PIA रोड पर हमारा ऑफिस है, पुलिस लाइन के अपोजिट हमारा ऑफिस है, शाहदरा में हमारा ऑफिस है, भगवानपुरा में हमारा ऑफिस है। तो हमने लाहौर को जियोग्राफिकली कवर करने की कोशिश की है ताकि लोगों को ट्रैवलिंग ज़्यादा ना करनी पड़े। फरीदकोट हाउस हमारा मेन ऑफिस है, यहाँ पे हमारे जो इस वक्त विंडोज ऑपरेशनल हैं वो 47 विंडोज ऑपरेशनल हैं। अच्छा, जो कि रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर और टी ओ फॉर्म इश्यूएंस जो कि हमने डिफरेंट कैटेगराइज किए हुए हैं उनको डील करते हैं। इस हाल में जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद है ये ट्रांसफर को डील कर रहा है। इस वक्त यहाँ पे 15 काउंटर जो हैं वो फंक्शनल हैं। जो अपॉइंटमेंट की स्लॉट हम आपको ऑफर कर रहे होते हैं वो 7 to 8 मिनट्स की एक स्लॉट ऑफर कर रहे होते हैं। तो इस लिहाज से अगर देखें तो हम ट्रांजैक्शन जो है वो 600 प्लस इस वक्त कर रहे हैं। कमरुल हसन साहब, अब मामला ये नज़र आ रहा है, पहले जब हम गाड़ी खरीदते थे तो हम ये करते थे कि उसके पेपर्स को चेक करवाते थे, इंजन चेसी चेक करवाते थे, मेरे ख्याल से अब तो हमें ई चलान भी चेक करवाने पड़ेंगे कि इस बंदे ने कोई वायलेशन तो नहीं की हुई। बिल्कुल ऐसा ही है, जो भी आप गाड़ी खरीद रहे हैं उस पर जैसे पहले भी हमारा ट्रेंड था, आप पुलिस रिपोर्ट भी देखते हैं कि गाड़ी कहीं थेफ्ट में तो नहीं इन्वॉल्व। इस सिलसिले में भी मैं ये लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारी डेटाबेस AVLS एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्क्वाड जो है उसके साथ डायरेक्ट लिंकेज है हमारा। जैसे ही किसी व्हीकल पे FIR का इंदराज होता है तो हमारी डेटाबेस में वो ऑटो रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। लिहाजा आप एक्साइज से भी चेक कर सकते हैं कि इस व्हीकल पे कोई FIR तो नहीं रिपोर्टेड है। और जो सेफ सिटी का आपने कहा बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि एक चलान अमाउंट आपने पे करनी है, आप सरकारी खजाने में जानी है और वो सरकारी खजाने में जानी है, तो लिहाजा ये इंश्योर कर लेना। और गाड़ी को अपने नाम पे रखना जो है, मलकियत को इंश्योर करना, ये सबसे ज़रूरी है। आप जो गाड़ी चला रहे हैं वो आपकी मलकियत में होनी चाहिए, और अगर आप किसी और गाड़ी बेच चुके हैं और आपकी मलकियत में अभी तक है तो ये भी आपके लिए जो है एक परेशानी का बायस हो सकती है। लिहाजा ये इंश्योर करना कि सेल परचेज एग्रीमेंट के बाद ओनरशिप को फौरी तौर पर तब्दील किया जाए, ये इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन जी चीज़ें होगी आसान, कमरुल हसन साहब ने बताया है कि फरीदकोट के अलावा 6 ऑफिसेज हैं लाहौर के अंदर। आपने करना क्या है, आप गाड़ी आप बेच रहे हैं, अच्छी बात है, आपकी आपकी चॉइस है, आप गाड़ी बेच रहे हैं, आपने करना क्या है, आपने इधर आना है, एक ट्रांसफ़र फॉर्म लेने 300 का, अंडर 1000 CC है तो आपके लगेंगे 1300 रुपया, अगर 1000 से 2000 CC है तो 2000, और 2000 से अगर अबव है तो 3000। इधर आना है, आपका आना भी नहीं ज़रूरी, ख़रीदने वाला का भी नहीं ज़रूरी, कोई तीसरा बंदा भी आपकी जगह आ सकता है। यहाँ पे आपने नीचे से फॉर्म लेना है, इधर आके आपने उसे ट्रांसफ़र करवाना है, और उसके बाद आपने परेशानियों से इजी हो जाना है। अदरवाइज़ अगर आप नहीं करवाएंगे तो आप ई चलान करेंगे, फर्स्ट ऑनर को जाएगा, फर्स्ट ऑनर रिपोर्ट करेगा सेफ सिटी को और पुलिस में, और देन आपकी गाड़ी का जो ऑनरशिप स्टेटस है उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, सिस्टम में शो ही नहीं होगा। और जब कभी आप मोटरवे पे ट्रैवल कर रहे होंगे या शहर के अंदर ट्रैवल कर रहे होंगे, पुलिस एहलकार आपकी सिर्फ एक ऐप के ऊपर आप गाड़ी नंबर डालेंगे, आपकी गाड़ी का कोई स्टेटस नहीं होगा और आपकी गाड़ी हो जाएगी इम्पाउंड। सर बहुत शुक्रिया कमरुल हसन साहब, सर आपने अपना टाइम दिया, सर लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था, वी आर ऑनर्ड सर आपने टाइम दिया, आपको इसको अप्रिशिएट करते हैं। ये पब्लिक अवेयरनेस की एक्चुअली इस वक्त कमी है, लोगों को ये मैसेजेस दिए जाए कि जिन चीज़ों को हम आमतौर पर मुश्किल समझते हैं वो मुश्किल नहीं है।
गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें रिफॉर्म हुई हैं, आईटी इनिशिएटिव्स की वजह से चीज़ें डिजिटाइज हो गई हैं। अब यहाँ पे हमारा फुली कंप्यूटराइज सिस्टम है, यहाँ पे आपको किसी किस्म का रिकॉर्ड जो है वो मैनुअल नहीं देखने को मिलता है। जो हम डाटा फीडिंग कर रहे हैं, जो फी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, जो आपको चलान पेमेंट्स रिसिप्ट दे रहे हैं, वो फुली इलेक्ट्रॉनिक हैं। और वेरिफिकेशंस भी इनकी हमारी वेबसाइट पे, आप जैसे ही पेमेंट करते हैं हमारी वेबसाइट पे भी रिफ्लेक्ट होती है। आप 8785 पे SMS करके कंफर्म कर सकते हैं आपकी जो ट्रांजैक्शन है। ठीक है, इसके अलावा जो ट्रांजैक्शन आपने यहाँ पे सबमिट की है उसकी ट्रैकिंग भी हमारी वेबसाइट पे मौजूद है। आप जस्ट व्हीकल का नंबर डालें तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपने किस दिन ट्रांजैक्शन किस दिन कराई थी, अगर वो पेंडिंग है तो किस फेज पे पेंडिंग है, और अगर वो डिलीवर हो चुकी है तो किस एड्रेस पे डिलीवर हो चुकी है। हमारे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं जो ऑनरशिप के ट्रांसफर के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, एक्साइज ऑफिस में, फरीदकोट में। उनसे पूछते हैं प्रोसीजर कितना आसान है और उनको कितनी देर लगी है। अस्सलाम वालेकुम सर। मुझे इतनी देर नहीं लगी, अभी वो हो गया मेरा काम। कोई मसला नीचे से आपने फॉर्म लिया, ऊपर आपने जमा कराया, वन विंडो ऑपरेशन है, मुतमिन है आप? मुतमिन जी, मुतमिन। क्यों करवाना चाह रहे थे ट्रांसफर? गाड़ी भेज दिए बस। अच्छा, गाड़ी भेज दिया, जरूरी है ये? हाँ, ये जरूरी है उन्होंने। हाँ जी, बिल्कुल। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, बड़ी जल्दी फ्री हो गए, खुश भी नजर आ रहे हैं। इनसे पूछते हैं अगर क्या वजह इनकी। जी सलाम अलैकुम। क्यों जी, खुशी क्यों है आप? माशाल्लाह, वन विंडो ऑपरेशन हो गया, मैं आया हूँ 10 से 15 मिनट में, इंशाल्लाह ट्रांसफर हो गई है। ट्रांसफर आराम से हो गई। हाँ जी, हाँ। नीचे से फॉर्म लिया है? हाँ जी, पहले फॉर्म लिया। किसी की सिफारिश तो नहीं करवानी पड़ी? नहीं, किसी की सिफारिश नहीं करानी पड़ी, आराम से आया। हाँ, पहले फॉर्म लिया, उसको फिल किया है, थामी प्रेशर लगाया, उसको ट्रांसफर करा दिया। आपने सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी है, बाइक खरीदा है? मैंने बाइक खरीदी है। क्यों ट्रांसफर? क्योंकि बाइक तो लोग चलाई जाते हैं, किसने रोकना है? नहीं, बेसिकली ये ज़रूरी है। अच्छा। क्योंकि रोड पे चलाने के लिए चलान से बच सकते हैं आप, और अदरवाइज कोई इशू बन सकता है, कोई चोरी चकारी हो सकती है, उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है गाड़ी अपने नाम पे करवाने के लिए। कितना को मुश्किल काम है यहाँ पे? तो देखें, वो बैठे हुए हैं, लोग खड़े हुए हैं, आसान है कि मुश्किल है? नहीं नहीं, आसान है, मुश्किल कोई भी नहीं है। वो फ्री बैठे हुए हैं, लोग आ रहे हैं, अपनी अपनी चीज़ें ले रहे हैं। वो यहाँ से आप क्या ले रहे हैं अभी? मैंने स्टॉम फॉर्म ले, TO फॉर्म ले रहा हूँ मैं। कितने का मिला? ये 300 का। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद वो सबमिट करेंगे, उसको फिलअप करेंगे। ठीक है, तो फाइल कवर लगा के उसको सबमिट ऊपर करवाएंगे। आसान काम है? जी बिल्कुल आसान है। मुतमिन है? जी बिल्कुल बिल्कुल, लोग मुतमिन है। लोग कह रहे हैं कि बड़ा आसान काम है, बाइक हो, आपकी गाड़ी हो, 300 का आपने TO फॉर्म लेना है, उसके बाद आपने ऊपर जाके उसे अपने नाम ट्रांसफ़र कराना है। और उनकी बात बड़ी अच्छी है कि खुदा ना खास्ता जो हम बाइक या गाड़ी खरीद रहे हैं सेकेंड हैंड, किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ई चलान ही नहीं, ई चलान के अलावा भी बड़े मसाइल हैं, और वो मसाइल में से सबसे बड़ा मसला है अगर वो बाइक या गाड़ी चोरी की है और किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में भी हो सकती है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी गाड़ी को अपने नाम ट्रांसफ़र करवाएँ। जी नाज़रीन, जिस तरह कमरुल हसन साहब ने बताया कि बहुत आसान है, 1200 फीस लगेगी 1000 CC के लिए, और इसी तरह जो ज़्यादा CC की गाड़ी उनके लिए थोड़ी सी ज़्यादा फीस है, लेकिन इसका एक फ़ायदा ये है, अगर आप गाड़ी को अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा लेंगे तो आपके लिए आसानी है, आपको कहीं रोका नहीं जाएगा, आप सफ़र करेंगे, और सबसे बड़ी बात, आप क्रिमिनल ऑफेंस के मुर्तकिब नहीं होंगे। क्योंकि अगर आप ई चलान नहीं जमा कराते, आप गाड़ी को चलाई जाते हैं और फर्स्ट ऑनर के घर ई चलान जाते जाते हैं, तो वो पुलिस कंप्लेन करेगा और वो क्रिमिनल ऑफेंस बन जाएगा। सेफ़ रहें सेफ सिटी के साथ, और अगर आपकी गाड़ी के ई चलान आ रहे हैं और आपने गाड़ी बेच दी हुई है तो उसके अपने नाम ट्रांसफ़र करवाएं। अगर आप ट्रांसफ़र नहीं कराते तो जो न्यू ऑनर है वो 15 पे कॉल करके या etclhr@psea.gov.pk सेफ सिटी को इन्फॉर्म करेगा और आपकी गाड़ी ब्लैक लिस्ट होगी और वो किसी भी इशारे पे रोकी जाएगी। मुझे उमर बख्त को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।